हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉकिंग अबाउट टेक। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहा है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो लोग इस गर्मी के मौसम में पहले बार एसी खरीद रहे हैं और ख़रीद चुके हैं, उन लोगों के लिए। और हम सोचते हैं कि जो लोग ऑलरेडी एसी खरीद लिया है लेकिन एसी के जो रिमोट कंट्रोल दिया गया है उसके साथ उसका फुल फंक्शन उसको नहीं मालूम होगा, तो हम सोचे कि एक वीडियो इस रिमोट के फुल फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बना के देते हैं। हम सभी को मालूम है कि जो सर्विस सेंटर से लोग आए थे, जो आपको एसी इंस्टॉलेशन करके दिया गया देकर गए हैं, लोग कुछ कुछ तो फंक्शन रिमोट के बारे में बोला ही होगा आप लोगों को, जैसे कि ऑन ऑफ़ कैसे करते हैं रिमोट से, टेम्परेचर कैसे अप एंड डाउन करते हैं, ये वगैरह वगैरह। लेकिन आपके रिमोट में बहुत सारा बटन है जिसको जिसका काम आपको नहीं मालूम होगा। सो जैसे कि कुछ कुछ इन्वर्टर एसी में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सभी को मालूम नहीं पड़ता है। कब आप जाके ऑपरेशन मैनुअल कि जो बुक दिया जाता है वो आप रीड करोगे, उसके बाद जानोगे, उसके बाद आप ट्राई करोगे, तो उससे बेहतर है यूट्यूब में आके ऐसे कोई वीडियो देख लीजिए जिसका आपसे मदद हो जाए, तो इस गर्मी में बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को। तो चलिए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहले ही बता देता हूँ कि ये जो मेरा एसी है वो पैनासोनिक का है और ये इन्वर्टर एसी है, तो इन्वर्टर टेक का एसी है। तो चलिए हम पूरा पहले ही दिखा देते हैं इसका जो एसी है रिमोट कैसे दिखता है, छोटा सा है। तो इसमें ये जो एसी का रिमोट है ये हर वक्त चलता है, इसको बंद नहीं किया जा सकते। तो ओवरव्यू एक बार दिखा देते हैं, नॉर्मली वीडियो रहता है, इससे ज़्यादा कम कुछ नहीं हो। तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि मेरा पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिमोट के बारे में, जो इस रिमोट में क्या क्या फंक्शन है, इसका जो इतना सारा बटन है तो क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं ए ऑन ऑफ बटन, ये तो सभी में एक ही आता है। आप मान लीजिए वोल्टस का एसी है, लॉइट का है, लॉइट तो आप मोबाइल से भी चलता है, सैमसंग का है, एलजी का है, वालपूल का है, जो भी है, तो सभी का तो सेम ही है ऑन और ऑफ का बटन। और ये नीचे वाला दो जो बटन है ये टेम्परेचर और टाइमर का बटन है। आप मान लीजिए आपका एसी ऑन हो, उसके बाद टेम्परेचर आप अप करना चाहते हैं कि यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो अप वाला बटन दबाइए। अगर आपका टेम्परेचर लो यानी कि ठंडा ज़्यादा करना चाहते तो नीचे वाला डाउन वाला बटन दबा के आप कर सकते हैं, टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे एक छोटा वाला एक डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के बगल में कुछ लिखा हुआ रहे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पहले वाला जो है यहाँ पे लिखा है एयर कंडीशनर, उसके नीचे है ऑटो कूल, कूल में एक काला जैसे कुछ दाग आ रहा है। इसका मतलब जो है कि ये दो फंक्शन है, उसके नीचे है क्वाइट, ये भी एक फंक्शन है, क्लीन, ऑफ में एक दाग आ रहा है, इसका मतलब मेरा एसी अब ऑफ मोड में है, यानी कि मेरा एसी ऑफ है। उसके बाद है ऑफ टाइमर, ऑन टाइमर, फैन स्पीड और एयर स्विंग, यही कुछ लिखा हुआ है। इसका हर एक अलग अलग फंक्शन है, सभी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए पहले तो हम ऑन ऑफ का बटन से बोल दिया है, अप एंड डाउन टेम्परेचर के बारे में भी बोल दिया है। अब आते हैं ये वाला मोड बटन। तो मोड बटन क्या होता है, ये आप जो डिस्प्ले में लिखा होता है ना ऑटो और कूल, इन दोनों का ही इस बटन से कनेक्शन है। तो ये जो काला जो साइन आ रहा है, इस साइन और सिलेक्शन साइन है, इसका मतलब है ये जो मोड बटन है आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज होके ऑटो में चले जाता है, फिर से दबाने से एक कूल में चले जाता है। तो इसका मतलब है ये ऑटो और कूल होता क्या है,
ये ऑटो का मतलब है, आप अगर इस ऑटो मोड को सिलेक्ट करते हैं, देखिए हर जगह में ऑटो ऑटो दिखा रहा है, अरे ये तो नीचे में टाइम होता है, तो करंट टाइम है जो आप सेट करेंगे वही टाइम होगा। तो ये ऑटो और कूल का डिफरेंस क्या होता है, ये तो एसी में दो फंक्शन है। अगर आपका मोड, ये वाला जो बटन है मोड, ऑटो में रहता है तो होता क्या क्या है, एसी जो आपका घर में रहता है उसी घर का टेम्परेचर से रिलेट करके खुद से ही एक टेम्परेचर आपको भेजता है। आप मान लीजिए कि आपका घर का अंदर टेम्परेचर है 32 डिग्री, तो एसी उस 32 डिग्री को रिलेट करके जितना टेम्परेचर होना चाहिए, आप मान लीजिए कि 26 डिग्री चाहिए 27 डिग्री, ऑटोमेटिकली वो सेंड करेगा, वो टेम्परेचर वो सेंड करेगा। अगर आप ए वाला नहीं चाहते हैं, ऑटोमेटिक वाला नहीं चाहते हैं, तो मैनुअली भी आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो इस मोड को सिलेक्ट कर दीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे आ गया 27 डिग्री, जो मेरा लास्ट टेम्परेचर था, मैंने जो सेट किया था एसी में टेम्परेचर वही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए फैन स्पीड, जो ब्लैक साइन आ रहा है इसका मतलब है फुल स्पीड में था, और एयर स्विंग, तो आपको सभी को मालूम है कि एसी का जो सामने वाला जो ढक्कन है जो अप एंड डाउन करते रहता है वही वाला एयर स्विंग का काम करता है। तो वो क्या होता है कि ये जो हवा है पूरा इधर से उधर फ्लो होता है, इसी ढक्कन बोलो तो शटर बोलो तो कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो हो गया मेरा मोड वाला जो बटन है उसका फंक्शन। तो कूल जो है वो तो आप तो इस अप एंड डाउन सभी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं फैन स्पीड में। फैन स्पीड होता क्या है, स्प्लिट एसी का जो अंदर वाला जो सिस्टम रहता है, बोले तो इंडोर सिस्टम जो रहता है, उस इंडोर सिस्टम में एक फ़ैन रहता है। बाहर में तो एक फ़ैन रहता ही है लेकिन अंदर में भी एक फ़ैन रहता है। तो एसी का इंडोर वाला सिस्टम के अंदर जो फ़ैन रहता है वो घर का अंदर का रूम का जो हवा रहता है उसको खींच के वो अंदर ले लेता है, और आउटडोर सिस्टम से जो ठंडा वाला एयर आता है उसको साथ मिला के ठंडा वाला एक हवा का झोंका वो ठेलते हैं अंदर से। तो उस फैन को आप इसके ज़रिए, ये फ़ैन स्पीड के ज़रिए आप सेट कर सकते हैं कि आपका फ़ैन धीमे चाहिए कि ऑटो चाहिए कि मीडियम चाहिए कि फुल स्पीड में आपको वो हवा भेजे मशीन, इसी के लिए ये फ़ैन स्पीड वाला बटन दिया गया है। तो इसके नीचे है एयर स्विंग वाला जो बटन, एयर स्विंग वाला जो बटन है, आप पहले ही हम बोल दिया कि एसी का इंडोर वाला सिस्टम के मुंह में जो एक डोर रहता है, जो आप ढक्कन बोले तो कुछ भी शटर रहता है, वो अप एंड डाउन होते हैं। तो अगर ये बटन आप दबाते हैं तो आप देखिए एक साइन आ रहा है, इसका मतलब वो जो पहला वाला जो शटर है वो फिक्स्ड हो गया पूरा ऊपर में, फिर से दबाने से एक सेकेंड वाला पोजीशन में फिक्स्ड हो जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते फिक्स्ड होते ही रहेगा। अब मान लीजिए कि आप एसी से थोड़ा दूर है, आप मान लीजिए कि आपका रूम में एक कोने में बैठे हुए हैं और दूसरे साइड में आपका एसी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपका एसी का जो शटर है वो ऐसे खुला रहे कि दूर दूर तक हवा जाए। तो इसीलिए ये वाला बटन आपके लिए सही होगा, दबाने से ये शटर ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, आप जहाँ भी बैठोगे वहीं पे ये सेट कर सकते हैं आप। देखिए ये वाला जो साइन है चेंज होता है, इसका मतलब है आपका शटर चेंज हो रहा है एसी में। और ऑटो करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन वो करता ही रहेगा। तो ठीक है, तो हम चले जाते हैं एक क्वाइट वाला बटन में। इस क्वाइट वाला बटन से क्या होता है कि आप सोच रहे हैं कि आपके साथ बेबी है आपका, तो आप वो सोच रहे हैं कि आप पूरा रूम में कोई भी साउंड नहीं चाह रहा है, तो जैसे कि आप रूम में कोई साउंड नहीं चाह रहा है तो ये वाला क्वाइट वाला बटन दबाने से वो आपका एसी कुछ साउंड नहीं करेगा, धीमे से चलेगा, एसी आपका ठीक ठाक ही देगा, टेम्परेचर लो ही बोले तो जहाँ पे बोलेगा वही देगा, लेकिन साउंड बहुत कम हो जाएगा पावरफुल। ये वाला बटन क्या करता है,
आप चाहते हैं कि आप बहुत धूप से आए हैं, बहुत गर्मी हो रहा है, पूरे घर भी गर्म हो रहा है, पावरफुल बड़ा बटन दबा दीजिए। जो एसी ठंडा होने में 15 मिनट लेता है, ये अब से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लेगा, पूरा रूम को ठंडा कर देगा। क्लीन वाला बटन क्या करता है? क्लीन वाला बटन जो है, हर रूम में एक धूल रहता है, डस्ट रहता है, वो इंडोर वाला सिस्टम के अंदर में जो फैन रहता है वो पूरा घर का एयर वो खींचता है, तो एयर के साथ धूल वगैरह तो चले ही जाता होगा। तो अगर 3 सेकेंड के अंदर ये वाला बटन 3 बार दबाना जाए तो इंडोर सिस्टम के अंदर में जो इवापोरेटेड डस्ट रहता है वो पूरा ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। ये वाला क्लीन का जो फंक्शन है यही, और ये वाला इको, ये इको वाला जो टेक्नोलॉजी है, इस आप समझ लीजिए 2017 से आया है, पहले भी आ सकता है, मुझे ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, लेकिन मुझे जितना दूर मालूम है कि ये आपको 17 के बाद ही मिल रहा है ये इको सिस्टम वाला। इसको क्या कहते हैं, ये रिलेट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर। जैसे कि आपका ये वाला बटन दबा देने से, इको वाला ये जो बटन है, इको वाला बटन दबा देने से इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को एसी ऑटोमेटिकली लो ही रखता है, आपको तो सेविंग ही सेविंग है इसको बटन से। तो अब चले आते हैं टाइमर वाला बटन। टाइमर वाला बटन से क्या होता है, आप चाहते हैं कि रात के 12 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक आपका एसी चले, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ऑन वाला बटन से आपका देखिए, यहाँ पे ऑन दबाए, दबाने से क्या हो गया, यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो टाइम आ रहा है ए वाला अप एंड डाउन वाला स्विच दबाने से ये सेट हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए, देखिए यहाँ पर टाइम आ गया, यानी कि आपका नॉर्मल टाइम आ गया। ठीक है, आपका नॉर्मल टाइम आ गया, यानी कि जो एसी का जो टाइम है, आपका जो घड़ी में जो टाइम आता है, यहाँ पे जो सेट करके रखते हैं वही आ जाएगा। तो टाइमर वाला बटन भी हो गया। स्लीप वाला बटन, स्लीप वाला बटन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इस एसी में। तो क्या होता क्या है, आप मान लीजिए आप 12 बजे सोने के लिए गए, तब आपको टेम्परेचर ज़रूरत था कि 23 डिग्री, गर्मी ज़्यादा है तो 23 डिग्री 20 डिग्री लगेगा ही। तो अब होता है कि दिन रात ज़्यादा होता है, नेचुरली टेम्परेचर घटता है, यानी कि ठंडा होता है। तो अब अगर आपका टेम्परेचर रूम का अंदर का टेम्परेचर 20 हो जाए और बाहर का टेम्परेचर 25 या 26 हो जाए तो नॉर्मली आपको ज़्यादा ठंड लगेगा है। लेकिन अगर ये आप स्लीप वाला बटन दबा देगा तो होगा क्या कि हर 3 घंटे का बाद में एसी ऑटोमेटिकली 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा लेगा। इसका मतलब है कि बाहर का टेम्परेचर के संग आपको रिलेट कर देगा और पूरा 8 घंटा हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली एसी ऑफ स्टेट में हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। तो ए वाला जो स्लीप वाला बटन है रात के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना जो फंक्शन है ना, मुझे मालूम है सभी लोगों के पास होगा जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो है ना एयर कंडीशन के जो गाइड बुक देता है उसमें लिखा होगा, लेकिन कुछ ही लोग होगा कि उसको ट्राई किया है, ट्राई नहीं भी किया हो तो आप ए वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लास्ट में आखिर में ये 3 वाला बॉटन नहीं है, सिर्फ ये मिडिल में है जो है क्लॉक, ये वाला बटन है, लेकिन ये दो सिर्फ होल है, होल यहाँ पे पेन के नीब लगा के आपको ऑपरेट करना होता है। तो रीसेट वाला बटन से होता गया कि पूरा रिमोट का जो फंक्शन है पूरा रीसेट हो जाता है, पहले कंपनी में जो सेटिंग दिया गया था वही चले आते हैं क्लॉक। इसको दबाने से यहाँ पे देखिए मेरा क्लॉक, मैं टाइमर दबाया था तो मेरा क्लॉक 00 हो गया। ठीक है, इसको दबाऊँगा कि एयर फिर से देखिए मेरा टाइम आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टाइम सेट करते हैं, चलिए हम बाद में कर लेते हैं उसको टाइम सेट। और ए वाला चेक, ये नॉर्मली होता है इस एसी में, चेक वाला कोई फंक्शन नहीं है, वो जो कंपनी से सर्विस सेंटर से कोई अगर किसी को भेजते हैं मेरा एसी ठीक है कि नहीं, उन लोगों को बताने की उन लोगों का ही चीज़ है। ठीक है, ये ऐसे कुछ हम लोगों का कस्टमर लोगों को कुछ नहीं चीज़ है, और कंपनी जाने क्या है उसका वही लोग जानते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग चाहे तो गाइडलाइंस में पढ़ के बता सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो नहीं कर लीजिए, आपको इसका गर्मी से इसका कोई मतलब नहीं है चेक वाले से। तो टोटली मैंने इसका डेमो जो पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का जो डेमो होता है हमने पूरा दे दिया,
अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो रोज़ रोज़ पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके बगल में सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल है, जो एक बेल आइकन है, उसको नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको ज़रूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का जो डेमो है, जो एसी इन्वर्टर एसी का, पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का डेमो जो था, मैंने पूरा कर दिया। आप इसको देखिए, अगर इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।